स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस, अजीत रोड, बठिंडा। माय कॉन्टैक्ट इज़ 9463625680। बेटा, हम चैप्टर कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, और उसका जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं? इससे पहले हमने जितनी भी रिएक्शंस की हैं वो की हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने किया है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले एलिमिनेशन के बारे में बता दूं, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती थी? जिसमें एक चीज़ ऐड होती थी और एक चीज़ रिमूव होती थी। एलिमिनेशन में क्या होता है? जिसमें सिर्फ रिमूव ही हो, ऐड कुछ ना हो, उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। अब इसमें एक चीज़ जो आपने नोट करनी है कि जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे उसमें जो अटैक दिखाते थे वो दिखाते थे न्यूक्लियोफाइल का, और अब जो एलिमिनेशन करेंगे उसमें जो अटैक दिखाया जाएगा बेटा वो दिखाया जाएगा बेस का, क्योंकि जो बेस होता है ना वो एच पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो वो जब बेस इसमें अटैक करेगा तो वो एच पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके बाहर ले जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इनमें आपको याद रखना है कि इनमें जो अटैक दिखाना है वो बेस का दिखाना है। तो चलिए मैं आपको एक जनरल सी रिएक्शन दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये कोई कार्बन का कंपाउंड है, सी सिंगल बॉन्ड सी, इनके साथ ग्रुप्स लगे हुए हैं ऐसे करके। यहाँ पे जो जेड ग्रुप है ना, ये वाला है बेटा हेलोजन ग्रुप, ये हमने ले लिया हेलोजन ग्रुप, ठीक है? और ये वाई जो ग्रुप है बेटा, इसको हमने ले लिया हाइड्रोजन। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप सबको पता है कि जिस कार्बन के साथ कोई हैलोजन ग्रुप लगा होता है बेटा, ठीक है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। जिस कार्बन के साथ कोई हैलोजन ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जो उसके साथ वाला कार्बन उसको बीटा कार्बन बोलते हैं, ठीक है? देखो, अब इन रिएक्शन में ना एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब कोई ना कोई बेस आएगा तो यहाँ से सबसे पहले हैलोजन बाहर निकलेगा, ठीक है? हैलोजन जैसे जेड नेगेटिव की फॉर्म में ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, क्लियर? तो जो बेटा बेस होगा ना, वो बेस क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है? टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो इसके साथ भी लगे हुए हैं, दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। बेटा देखो, हाइड्रोजन तो इसके साथ भी लगे हुए हैं, बट जो बेस होता है वो हमेशा बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, जैसे ये वाई मैंने दिखा रखा है हाइड्रोजन, वो हमेशा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर ही अटैक करता है। बीटा हाइड्रोजन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से तो हाइड्रोजन को खींच लेगा और इधर से क्या निकला, हैलोजन निकला। देखो, यहाँ से हैलोजन जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके जाएगा, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बाद में ये वाले जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में रख देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं बेटा, उनमें रिमूवल होता है दो चीज़ों का, एक तो हैलोजन का और एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कौन सा? जनरली बीटा हाइड्रोजन, ठीक है? और दूसरी बात, इसमें कुछ ऐड नहीं होता, दो चीज़ें रिमूव होती हैं, जैसे वाई एंड जेड। वाई क्या है? हाइड्रोजन, और जेड क्या है? हैलोजन, ठीक है? और तीसरी बात जो है, इसमें बेटा एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जब भी कोई दो चीज़ें बाहर निकलेंगी तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो जाएंगे ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये कार्बनेस ने चार बॉन्ड बनाए थे, 1 2 3 4, ये निकल गया, तीन बॉन्ड रह गए। अब यहाँ से भी, इसके भी चार बॉन्ड थे, ये निकल गया, यहाँ पे भी तीन रह गए, 1 2 3 रह गए। तो अब ये बॉन्ड कैसे पूरे करेंगे? तो ये बॉन्ड अपने यहाँ से डबल बॉन्ड करके या ट्रिपल बॉन्ड करके बॉन्ड पूरे करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो बस यही फिनोमिना सारी रिएक्शंस में लगेगा, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक इसका मैकेनिज्म के थ्रू भी बता देता हूँ कि कैसे होता है। अब देखो, हमारे पास ये कोई कार्बन का कंपाउंड है बेटा, इसका मैकेनिज्म है ये, यहाँ से एक्स निकल रहा है, अगर यहाँ से एक्स निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है? और जो बेस है, बेस कहाँ किसके ऊपर अटैक करता है? बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। देखो, जिस कार्बन के साथ एक्स लगा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, अब ये क्या हो गया? बीटा कार्बन, ठीक है? अब जो बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे होते हैं वो होते हैं बीटा हाइड्रोजन,
अब बेस क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और इसको खींच लेगा अपनी तरफ। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा और एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब इसने क्या करना है, अपना नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे बीच में रख देगा ताकि इसका चार्ज भी खत्म हो जाए और इसका भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये क्या बन गया हमारे पास, एल्कीन बन गया। यही फिनोमिना सभी में लगेगा। तो यहाँ पे बेटा एक चीज़ याद करने वाली है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना हम रिएजेंट लेते होते हैं के ओ एच, कौन सा रिएजेंट लेते हैं, के ओ एच। के ओ एच बेटा दो तरह का होता है, एक तो एक्वस के ओ एच होता है, एक होता है एल्कोहलिक के ओ एच। बेटा मैं ये चीज़ मैंने स्पेशल लिखी है और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में इसके इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन कोई ना कोई तो बनता ही है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी एक्वस के ओ एच दिया हो, कभी भी एक्वस के ओ एच दिया हो बेटा, तो एक्वस के ओ एच हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कौन सी शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। मतलब कहने का ये है कि इसका जो ओ एच नेगेटिव है यहाँ से जो रिलीज होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका जो ओ एच यहाँ से निकलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। और बेटा अगर एल्कोहलिक के ओ एच लेते हैं, मतलब के ओ एच में आप एल्कोहल में डिजोल्व करते हो, यहाँ पे के ओ एच को पानी में डिजोल्व किया था, यहाँ पे के ओ एच को एल्कोहल में, कौन से एल्कोहल में, जनरली इथेनॉल में जब आप डिजोल्व करते हो तो उसको एल्कोहलिक के ओ एच बोला जाता है। ठीक है, तो एल्कोहलिक के ओ एच में बेटा जो ओ एच नेगेटिव होता है ना वो बेस का काम करता है, कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पे क्या काम कर रहा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है। तो अगर बेस का काम कर रहा है तो ये क्या काम करेगा, टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। तो अगर ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्वस के ओ एच यूज़ करोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, अगर एल्कोहलिक के ओ एच दोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। समझ आ गई बात। तो चलिए अब करते हैं इनकी टाइप्स। बेटा जो एलिमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल स्टडी करनी है इनकी हमने, वो जनरली तीन तरह की होती हैं, E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और E1CB कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इनको हमने करना है बेटा। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको ना इनमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने SN1 भी पढ़ा, SN2 भी पढ़ा, पता नहीं ये क्या होगा। बेटा ये बिल्कुल सेम टू सेम, ऑलमोस्ट मतलब 90% क्या होता है, ये सेम होती हैं। E1 SN1 के सेम होती है, E2 SN2 के सेम होती है। ठीक है, तो इनको आपको ज़्यादा नई चीज़ें इसमें नहीं होती, जो भी नहीं होगी वो मैं आपको बता ही दूंगा। बस सब्स्टिट्यूशन में क्या था, सब्स्टिट्यूशन होती थी, इसमें क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। जैसे SN1 हम करते थे, SN1 में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती थी, इसमें भी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। जो SN1 थी वो उसमें मतलब टर्शरी में ज़्यादा होती थी, ये भी टर्शरी में ज़्यादा होती है ना, तो ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये करने से पहले हम एक रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये देखो हमने जो ऊपर पढ़ी थी बेटा, ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये वाली लगा लो चाहे ये लगा लो, क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो एक तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, एक देखो यहाँ से हैलोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन रिमूव हो, एक हैलोजन रिमूव हो, उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं इसमें जनरली हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होगा, तभी हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो दीज रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डी मीन्स होता है रिमूव होना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन का, हैलोजन मीन्स हैलोजन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा हमारे पास ये कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, हेलोइल्केन है। ठीक है, अब आपको पता है मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि हेलोइल्केन में जो हेलोजन है जिस कार्बन के साथ लगा होता है वो कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के साथ वाला जो कार्बन होता है बेटा वो होता है बीटा कार्बन। इसी तरह से ये अल्फ़ा कार्बन के साथ ये भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो दिस इज़ ऑल्सो बीटा कार्बन। ठीक है, अब आपने क्या डाला यहाँ पे, C2H5ONA डाला। जो C2H5ONA इसका नाम होता है बेटा सोडियम इथोक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो इथोक्साइड आयन होता है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड बेस, ये क्या होता है, बहुत अच्छा बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो जब आप इसको डालोगे इसमें, तो जो OC2H5 नेगेटिव है, C2H5O नेगेटिव है, इसने क्या करना है बेटा, इसने जो इसका बीटा हाइड्रोजन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या करेगा, चाहे इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है, चाहे इस कार्बन के साथ, यहाँ पे CH3 है,
चाहे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है चाहे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब खींच लेना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव है, वो यहाँ से एच पॉजिटिव को निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ से एच पॉजिटिव को निकाल लिया तो ये क्या बना देगा, सी टू एच फाइव ओ एच बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एच टू रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एच पॉजिटिव निकलेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा। तो देखो यहाँ पे सी एच टू नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ से बी आर निकल गया, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो ये क्या करेगा, ये अपना नेगेटिव को यहाँ पे रख देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे ये दिखा रखा है। देखो सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच थ्री प्लस एच बी आर, समझ आ गई, प्लस एच बी आर, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो कार्बन है उसके साथ बी आर लगा हुआ है, दिस इज लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब ये कार्बन, ये वाला ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ लगता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा के साथ वाला जो कार्बन होता है डायरेक्टली अटैच्ड उसको बीटा बोलते हैं। अब देखो इसके साथ तीन तीन बीटा है, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ठीक है। अब अगर इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने के लिए, तो वो यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है और यहाँ से भी निकाल सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से तो बी आर निकल गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ से एच पॉजिटिव निकला तो ये इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव यहाँ पे रख देगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये दो सी एच थ्री ऐसे लगे रहेंगे। तो ये देखो दो सी एच थ्री ऐसे लगे हैं और इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, समझ आ गई। यहाँ पे एक देखो, गुड बेस ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्शन। गुड बेस का काम क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट एच पॉजिटिव फ्रॉम द रिएक्शन। अबव रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन एक्शन। बेटा ये वाली जो रिएक्शन है सारी, ये ऊपर जो भी जितनी हमने की हैं, इनको ना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है। वाई, क्योंकि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, दैट्स वाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है। बेटा एक चीज़ और याद रख लो, जो हम एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो जनरली बेस यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेस यूज इन एलिमिनेशन, ठीक है। ये कौन कौन से बेस हैं जो हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो देखिए एक तो के ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, जिसको हम एल्कोहलिक के ओ एच भी बोल देते हैं, ठीक है। जहाँ हम यूज़ करते हैं इनमें सी टू एच फाइव ओ एन ए सोडियम इथोक्साइड, ये हमने यूज़ कर रखा है, ये भी बहुत अच्छा बेस है। और इसके बाद बेटा टर्शरी ब्यूटोक्साइड बोलते हैं इसको, पोटाशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड बोलते हैं। ये एक ऐसा बेस है बेटा जिसके जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है इन दोनों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इस बेस में बेटा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सी एच थ्री ग्रुप अटैच होते हैं, जितने सी एच थ्री ग्रुप ज़्यादा अटैच होंगे उतना इसका बेसिक नेचर ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये इन दोनों से अच्छा बेस है। और इन सबसे अच्छा बेस जो है वो है एन ए एन एच टू, सोडा अमाइड बोलते हैं इसको, सोडा अमाइड, ठीक है, सोडा अमाइड भी इसको बोला जाता है, एन ए एन एच टू। इसमें एन एच टू जो नेगेटिव है वो एक बहुत अच्छा बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये जनरली तीन से चार बेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जो इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एल्कोहलिक के ओ एच है, जनरली ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। कल आपको इनकी टाइप्स के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।